गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एट होम. सो द चिल्ड्रन, दिस इज योर 15th चैप्टर फ्रॉम इंग्लिश टेक्स्ट, मेलिंडा मेड अ स्नोमैन. सो दिस इज अ पोयम, अ वेरी नाइस पोयम अबाउट अ गर्ल. हर नेम इज मेलिंडा. मेलिंडा उसका नेम है. और शी मेड अ स्नोमैन, उसने क्या बनाया, एक स्नोमैन बनाया है. एंड शी इज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड. देन शी मेड अ स्नोमैन एंड बट वेन शी कॉल टू हर पेरेंट्स टू शोइंग हर वर्क एंड बट दैट टाइम शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको प्रेजिंग करने की बजाय उसको एक एडवाइस करते हैं कि स्नोमैन जो है वो आउटसाइड बनाना चाहिए था, आपने घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए. तो ऐसा होता है अक्सर बच्चों के साथ कि जब वो कुछ भी काम, मतलब काम करें ऐसा कि जिससे उन्हें ये लगे कि हमें इस वर्क के लिए प्रेज किया जाएगा, लेकिन अगर उसका उल्टा हो जाता है कि प्रेजिंग की जगह आपको प्रशंसा की जगह थोड़ा आपको डांट मिल जाती है या कुछ ऐसा. कि कभी कभी बच्चे भी, आप लोग भी करते होंगे ना घर में ऐसा कोई काम वर्क जो कि चलो मम्मा पापा को दिखाएंगे तो वो बड़े खुश होंगे. बट सम टाइम ऐसा होता भी है कि वो आपके किसी ऐसे काम से वो खुश भी होते हैं, लेकिन सम टाइम ये होता है कि कभी आपकी तरफ से वो अच्छा होता है काम, लेकिन उनके टाइप में वो क्या हो जाता है कि थोड़ा सा उस काम के लिए आपको कभी कभी डांट भी खानी पड़ती है. तो ऐसे ही जो है किसके साथ हुआ, मेलिंडा के साथ हुआ. नाउ लेट्स रीड दिस पोयम. मेलिंडा मेड अ स्नोमैन विच शी गेव अ कैरेट नोज. शी प्लेस सम रबर बूट्स ऑन व्हाट शी फिगर्ड वेयर हिज टोज. तो उसने, मेलिंडा ने क्या बनाया, एक स्नोमैन बनाया. शी गिव अ कैरेट नोज, जिसपे उसने कैरेट की नोज लगाई. फिर शी प्लेस सम रबर बूट्स, उसने फिर उसके क्या करे, रबर बूट्स उसके प्लेस करे. एंड ऑन व्हाट शी फिगर्ड वर हिज टोज, और फिर जो है कि उसने क्या करा, फिर उसके क्या बनाए, उसके टोज के कैसे उसने उसके टोज बनाए, जो हमारे फुट की जो फिंगर्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टोज. मेलिंडा गेव हिम चारकोल आईज, उसने जो उसकी आईज किससे बनाई, चारकोल से बनाई, जो एक ब्लैक कलर का बड़ा लिक्विड सा वो होता है मटेरियल, तो उससे उसने क्या बनाई, उसकी आईज बनाई. एंड आफ्टर वन लास्ट पार्ट, और जैसे उसने उसका लास्ट, जैसे उसको लगा कि अब उसने क्या कर दिया, अब उसका लास्ट पार्ट उसको जैसे फिनिश करा. अपॉन हर स्नोमैन्स फ्रोजन हैड, तो उसने क्या करा, शी प्लेस्ड हर फादर्स हेड. तो उसने क्या करा, उसके फ्रोजन हेड पे, यानी स्नोमैन के जो फ्रोजन हेड था, सर्कल बिल्कुल स्नो से बना हुआ कैसा होगा, उसमें कुछ, क्योंकि वो स्नो का बनाया तो वहाँ हेयर्स तो होंगे नहीं, तो इसलिए वो क्या है, उसने वहां पर उसके हेड पे उसने क्या प्लेस करा, अपने फादर की हेड. शी टॉट हिम नियरली फिनिश्ड, उसको लगा, शी थॉट हिम नियरली फिनिश्ड, उसे लगा कि अब जो उसका जो स्नोमैन है वो लगभग क्या है, बिल्कुल तैयार है. एंड देन इज फाइनल नोट, फिर तब उसने एक चीज उसमें जो फाइनल नोट थी वो नोट करी. शी टुक हर फादर्स फेवरेट टाई, वो अपने फादर की जो है फेवरेट टाई लेकर आई. एंड ड्रैप्ड इट राउंड हिज थ्रोट, और उसने उसको ड्रैप यानी उसके गले में जो है चारों तरफ से उसको क्या कर दिया, लपेट दिया स्नोमैन के थ्रोट में. मेलिंडा वॉज सो प्राउड ऑफ हिम, अब मेलिंडा को जो है अपने काम पे बड़ा प्राउड फील हुआ, बहुत उसको अच्छा लगा कि उसने क्या करा, आज उसने एक स्नोमैन बनाया है. शी वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर वर्क, वो अपने काम पे बहुत ज्यादा खुश हुई. मेलिंडा सो शी रश्ड अपस्टेयर्स विथ ग्ली, वो बहुत ही खुशी के साथ जो है रस्ट भागी अपने अपस्टेयर यानी कि सीढ़ियों के ऊपर. शी होल्डेड टू हर मॉम एंड डैड अ हरी कम एंड सी, उसने अपने पेरेंट्स को जल्दी से वो लेकर आई कि उनको दिखाने के लिए कि वो देखो उसने क्या करा, एक स्नोमैन बनाया. बट बाय द टाइम दे केम डाउन स्टेयर, जैसे ही वो डाउन स्टेयर नीचे आए, मेलिंडा क्राइड एंड क्राइड, मेलिंडा जो है रोने लगी. बिकॉज नाउ शी इज वेरी डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज्यादा निराश थी. क्यों, मेलिंडा मॉम एंड डैड सेड, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको क्या कहा, स्नो मैन मस्ट बी मेड आउट साइड, आपको जो स्नो मैन बनाया वो कहाँ बनाना चाहिए था, घर के बाहर बनाना चाहिए था. और मेलिंडा ने क्या करा था उसको, हो सकता है मे बी उसने घर के अंदर बनाया हो. तो अब घर के अंदर आप स्नोमैन बनाओगे तो घर क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा. तो जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि इफ़ वी वांट टू इम्प्रेस टू आवर पेरेंट्स, तो हमें काम बिल्कुल सोच समझ के हमें करना चाहिए, क्योंकि समटाइम हमें प्रेजिंग मिलती है, लेकिन अगर हमारा काम ठीक से ना हुआ हो तो हमें उसके लिए क्या मिलता है, थोड़ी सी हमें डांट भी खानी पड़ती है अपने पेरेंट्स की, तो जिससे हमें बहुत डिसअपॉइंटेड होती है. तो इसलिए ही हमें वर्क जो होता है वो कैसे करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, देख के करना चाहिए कि वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग. सो दैट वॉज द पोयम एंड आई होप यू एंजॉयड द पोयम. सो द चिल्ड्रंस, यू हैव टू राइट दिस पोयम इन योर नोटबुक, दिस इज योर वर्क.
and now this is exercise work. Pick the correct option. So Melinda made a snowman, snowball, snow doll. So she made a snowman. Melinda grabbed her father's tie, uncle's, father's and brother's, so father's tie. Mom and dad said the snowman must be made outside, inside, or on the terrace. So they advised her to make the snowman outside. Melinda was so proud, happy, panic. She was very proud of her snowman. So this is the children. Here you have to write the meaning of these words. But this work we will do in a notebook. And here you have to complete the spelling. Complete the poem. C part. And here you have to write the rhyming words. And here the number of lines according to the poem. यहाँ पर आपको according यानी poems में जो lines जिस number पे आई है, जैसे कि Melinda made a snowman, this was the first line. फिर this is the second, this is third, fourth. According to आपको इनको numbers देने हैं. You can do this work in your book. And question answer and make sentence we will do later. And this is the grammar portion. So it is fill in the blanks and get a new poem. आपको यहाँ पर एक new poem create करनी है. Here the sum of words for you. So crazy daisy, we can write stupid cat, shoes on foot, shoes कहाँ पे पहनते हैं, foot में, and head in hat. So rhyming also, cat in hat. If grandma forgets to give her milk, she eats up all her dresses silk. So milk and silk is a rhyming words. तो जब भी हम कोई poem create करते हैं तो वहां पर rhyming words का last word should be क्या होना चाहिए, आपका rhyming. तब poems में, एक poem में क्या आता है, एक उसको हम एक tune में गा सकते हैं अगर उसका last word क्या हो, एक rhyming word हो. So you have to complete this. And here you have to write these some opposite word: outside, inside, nearly, far, final, initial, last, opposite, first, some, many, father, mother, proud, ashamed, finish, start. And here match the words with the column A and B. King, king is related with the courtiers. Teacher related with students. Doctor with patient. Bus driver, passengers, lawyer, clients, mother, children. And here you have to add ly in the following words, and this make them adverbs. Sad, sadly. Fluent, fluently. Fierce, fiercely. Angry, angrily. Gentle and gently. So the children, this is the work for you. And the further work we will do in the next class. Till then, bye. Take care.